नमस्कार, आज मैं आपके लिए लेमन राइस बनाने जा रही हूँ। इसके लिए सबसे पहले मैंने एक कढ़ाई लिया, उसको गैस पर चढ़ा दिया है, गैस हाई फ्लेवर में है। उसमें मैंने दो चम्मच सरसों का तेल डाला है। इस कटोरी से मैंने राइस लिया है, जो बने हुए चावल भात थे उसे मैंने लिया है। उसके बाद मैंने 2 चम्मच चने की दाल ली है, 2 चम्मच उड़द दाल, 1/2 चम्मच हल्दी पाउडर, 10 कड़ी पत्ता जिसे कहते हैं कड़ी लीफ मैंने लिया है, 10 काजू लिया है, 1/2 स्पून 1/2 चम्मच मैंने सरसों लिया है, 1/2 छोटा चम्मच सरसों लिया है, 2 लाल मिर्च लिया है जिसे मैंने बीच से कट कर दिया है, जिसे तेल में जाकर के फ्लेवर बहुत अच्छे आएंगे। तो चलिए आज मैं आपको लेमन राइस बनाकर दिखाती हूँ, इसकी रेसिपी बताती हूँ। सबसे पहले तेल गर्म हो चुके, अब इसमें मैंने लाल मिर्च, 2 लाल मिर्च डाल दिया है। अब इसमें मैंने 1/2 स्पून राई डाल दिया। अब इसमें मैंने 10 कड़ी पत्ता डाल दी। इसके बाद इसमें मैंने 2 चम्मच उड़द की दाल डाल दी। अब फ्लेम को थोड़ा लो कर लेंगे, इसकी ये मीडियम आंच पर बहुत अच्छी पकेगी। इसे भूनेंगे। इसमें फिर मैंने 2 चम्मच चने दाल डाल दी। इसमें मैंने 10 काजू जो निकाल करके रखा था भूनने के लिए वो डाल दिया। भून रहे हैं तब तक मैंने इसमें 1 चम्मच नींबू का रस लिया है, नींबू राइस में देने के लिए। अभी सोना महकने लगा, बहुत अच्छे भून गए हैं। अब इसमें मैंने ये 2 कटोरी चावल डाल दी, इसे चलाएंगे। अब इसमें 1/2 स्पून हल्दी पाउडर डाल दिया है। चम्मच में जो हल्दी बची हुई थी उसे डाल दिया, 1/2 चम्मच मैंने इसमें हल्दी पाउडर डाला है।
इसमें एक छोटी चम्मच नमक डाल दें और इसे एक मिनट तक भूनेंगे। सभी चावल को अच्छे से रोस्ट करेंगे। अब इसमें मैं एक चम्मच नींबू का रस डालूंगी। चलाते रहेंगे जिससे कि सारी सामग्री चावल में अच्छे से मिल जाए। ये आपकी टेस्टी लेमन राइस तैयार हो गई है। अब मैं गैस को बंद कर दी, इसे मैं एक प्लेट में निकाल लूंगी जो कि बहुत ही टेस्टी लग रहे हैं। ये मैंने ऑनियन का सलाद के लिए इसमें मैंने एक प्याज काट लिया है, इसमें थोड़ी सी नमक डाल ली है और आधा कप दही डाल दिया है और इसे मैं ऐसे मिला दूंगी। और अब आप लेमन राइस के साथ इस दही की सलाद का टेस्ट ले सकते हैं जो कि बहुत ही टेस्टी लेमन राइस बनी है।